डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अनुप्रयुक्त भौतिकी विषय कोड 102 में यूनिट नंबर 10 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। सबसे पहले दिष्टकारी क्या होता है इसके बारे में बात कर लें। एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि एक या अधिक पीएन जंक्शन डायोड को यूज़ करती है और एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करती है। यह यूनिट जंक्शन डायोड की जो यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करती है। और ये देख सकते हैं आप रेक्टिफायर के लिए ये एसी इनपुट और आउटपुट जो है वो डीसी की फॉर्म में है। टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, दिष्टकारी के प्रकार तीन प्रकार हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी और ब्रिज रेक्टिफायर। अपने सिलेबस में दो ही हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो आज अपन जो बात कर रहे हैं वह फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की बात कर रहे हैं। पूर्ण तरंग दिष्टकारी ये आप देख सकते हैं, ये फुल वेव रेक्टिफायर हमारा ब्लॉक डायग्राम के रूप में, ये देखिए ये फुल वेव रेक्टिफायर। इसका जो इनपुट है यह एसी है, प्रत्यावर्ती धारा का ये चक्र यहाँ पर है और इस प्रकार से जो आउटपुट मिलेगा ये तो होगा इनपुट इसके लिए, और जो आउटपुट मिलेगा वो आप देख सकते हैं ये यूनिडायरेक्शनल है, एक दिशिक है और पल्स की फॉर्म में भी है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर पूर्ण चक्र के लिए, ये पूर्ण चक्र ये रहा, इस पूर्ण चक्र में प्रथम अर्ध चक्र के लिए भी अपने को निर्गत धारा या वोल्टता प्राप्त हो रही है, उसी प्रकार से द्वितीय अर्ध चक्र या सेकंड हाफ साइकिल जो है हमारा उसके लिए भी अपने को दिष्ट धारा या वोल्टता प्राप्त हो रही है। अर्ध तरंग दिष्टकारी की तुलना में यहाँ पर प्रत्यावर्तक धारा के पूर्ण चक्र के लिए, कंप्लीट एसी साइकिल के लिए हमको आउटपुट करंट या वोल्टेज मिल रही है। अब हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम देखें। ये सर्किट डायग्राम यहाँ पर है, ये इनपुट एसी सिग्नल यहाँ पर लगेगा और इधर आपको आउटपुट एसी सिग्नल लोड रेजिस्टेंस पर मिलेगा, ये डीसी आउटपुट यहाँ पर मिलेगा इसके सिरों पर, लोड प्रतिरोध के सिरों पर। यहाँ पर इसकी संरचना को अपन एक बार देख लें फिर उसके बारे में आगे बात करें। तो ये देखिए, सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली प्राइमरी कॉइल है उसके साथ हमने एसी इनपुट लगाया है, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो स्रोत है वो यहाँ रखा जाएगा और वो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के साथ परिपथ में है। ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल द्वितीय कुंडली है, इस द्वितीय कुंडली के साथ दो डायोड देखेंगे आप, डायोड D1 और D2 ये यहाँ पर श्रेणी क्रम में है और यहाँ लोड प्रतिरोध भी लगाया गया है। ये दोनों डायोड जो D1 और D2 हैं, ये दोनों डायोड एक जैसे हैं, सर्वसम है, आइडेंटिकल डायोड है, एक दूसरे के समान है, अर्थात दोनों जब अग्रबायस में होंगे तो किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पर उतना ही रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करेंगे, फॉर रिवर्स बायस में होने पर भी जितना वोल्टेज इस पर अप्लाई करेंगे तो उसमें दोनों डायोड जो है वो सेम रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे रिवर्स में भी। इस प्रकार से ये दोनों डायोड जो है दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, सर्वसम है ये, ठीक है। इसके साथ साथ ये देखेंगे आप लोड रेजिस्टेंस की इस पॉइंट को, इस वायर को यहाँ पर अपन ने सेंटर टैप के इस ट्रांसफार्मर कुंडली का सेंटर पॉइंट यहाँ पर ले लिया है। इस प्रकार से ये पूरा जो है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। एक बार इसको समझ लें, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में दो सर्वसम आइडेंटिकल पीएन संधि डायोड D1 व D2 को परिपथ में श्रेणी क्रम में लोड प्रतिरोध के साथ ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल द्वितीय कुंडली से जोड़ा जाता है, जबकि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टता के स्रोत से हमने जोड़ा है। ये पूरा जो हमने बात की है ये कंस्ट्रक्शन की है फुल वेव रेक्टिफायर की। अब हमें बात करनी है पूर्ण तरंग दिष्टकारी की कार्यविधि की। तो सबसे पहले देखिए आप, प्राथमिक कुंडली है ये,
यहाँ पर एसी इनपुट लगाया जाएगा, प्रत्यावर्ती वोल्टा का स्रोत लगाया गया है जिससे द्वितीय कुंडली में वोल्टता प्रेरित होगी। यहाँ वोल्टता आरोपित की है, अप्लाई की है, और यहाँ वोल्टता वोल्टेज जो है वो इंड्यूस होगा, प्रेरित हो जाएगा। अब यहाँ पर भी एसी ही रहेगा, ये प्रथम अर्थ चक्र ये रहा, इसके लिए द्वितीय कुंडली का ऊपरी सिरा धनात्मक और निचला सिरा ऋणात्मक। ये सिरा जब धनात्मक होगा तो इस डायोड की पी साइड पॉजिटिव से कनेक्ट है, एन साइड सेंटर टैपिंग होते हुए यहाँ पर शून्य विभव पर आ रही है। ऐसी स्थिति में डायोड डी वन फॉरवर्ड बायस में होगा, अग्र बायस में होगा, लेकिन डायोड डी टू में देखें आप, क्योंकि कुंडली का द्वितीय कुंडली का निचला सिरा जो है वो नेगेटिव था स्पोर्ट्स इस हाफ साइकिल में, तो ऐसी स्थिति में डायोड डी टू जो है वह रिवर्स बायस में है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो इनपुट एसी सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल है, वैसे ही वोल्टता यहाँ पर प्रेरित होने पर ए सिरा सेकेंडरी कॉइल का वो पॉजिटिव और बी सिरा सेकेंडरी कॉइल का नेगेटिव। ए सिरा पॉजिटिव है, डायोड डी वन से कनेक्ट है, डायोड डी वन फॉरवर्ड बायस में अग्र बायस में हो जाएगा। बी सिरा नेगेटिव पॉइंट पर है, डायोड डी टू से कनेक्ट है पी साइड से, तो यह डायोड डी टू रिवर्स बायस में अर्थात पश्च बायस की स्थिति में होगा। डायोड डी वन क्योंकि अग्र बायस की स्थिति में है अतः यह चालन का कार्य करेगा, इसकी वजह से धारा प्रवाहित होगी और धारा की दिशा हम जानते हैं पी से एन की ओर, तो ये धारा की दिशा रहेगी। लोड प्रतिरोध में हम बात करें तो इस सिरे से इस सिरे की ओर धारा प्रवाहित होगी जो कि यहाँ एरो से बताई गई है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट में लगेगा तो ऐसा ही वोल्टता यहाँ पर द्वितीय कुंडली पर भी प्रेरित होगी, ए सिरा नेगेटिव हो जाएगा जिससे डायोड डी वन की पी साइड नेगेटिव से कनेक्ट हो गई, अतः डायोड डी वन रिवर्स बायस में होगा अर्थात पश्च बायस में होगा, इसकी वजह से धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में अब बी सिरा धनात्मक है, इसकी वजह से डायोड डी टू की पी साइड पॉजिटिव से कनेक्ट हो गई, तो ये डायोड डी टू आपका फॉरवर्ड बायस में हो गया। इस प्रकार से डायोड डी टू के फॉरवर्ड बायस में हो जाने से इसका चालन की प्रक्रिया होगी डायोड डी टू की, और उसकी वजह से लोड प्रतिरोध में धारा बहेगी। अगेन डायोड डी टू जब चालन की स्थिति में होगा तो डायोड के पी सिरे से एन सिरे की ओर धारा प्रवाहित होगी, तो धारा की प्रवाह की दिशा ये जैसा एरो बताया गया उसी प्रकार से होगी। इस प्रकार से लोड प्रतिरोध में चाहे इनपुट एसी का फर्स्ट हाफ साइकिल हो या सेकंड हाफ साइकिल हो, दोनों केसेस में लोड प्रतिरोध में धारा इस सिरे से इस सिरे की ओर प्रवाहित हो रही है, अर्थात दोनों केसेस में धारा जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। इस प्रकार से लोड प्रतिरोध में प्रवाहित धारा एक दिशिक हो गई, हम ये कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट डीसी होगी। इस प्रकार से लोड प्रतिरोध के सिरों पर हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी, जो वोल्टता जो आउटपुट वोल्टेज हमें को मिलेगा ये डीसी की फॉर्म में होगा यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस पर। तो इस प्रकार से हम कह सकेंगे कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे इनपुट में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के सिरों पर, और जो लोड प्रतिरोध के सिरों पर आपको सेकेंडरी कॉइल के साथ जो कनेक्ट किया हुआ है उससे जो आउटपुट मिलेगा वह डीसी की फॉर्म में होगा। डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में और डायग्राम की फॉर्म में देख लीजिए, ये इनपुट वोल्टेज लगाया गया था एसी फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, डायोड डी वन फॉरवर्ड बायस में था उसकी वजह से कंडक्शन हुआ, लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हुई, लोड प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर मिला। तो ये देखिए सेकंड हाफ साइकिल इनपुट का, उस समय डायोड डी वन रिवर्स बायस में था, डी टू फॉरवर्ड बायस में था, तो डी टू की वजह से धारा बही और आउटपुट वोल्टेज डी टू की वजह से मिला। फिर जो यही चीज़ आगे रिपीट होती जाएगी, इस प्रकार से जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो इस प्रकार की होगी। अब ये देख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज डीसी है, इट इज़ नॉट प्योर डीसी, बट ये पल्सेटिंग डीसी की फॉर्म में है और प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र के लिए अपने को आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। ये इसकी कार्यविधि, प्राइमरी कॉइल पर एसी वोल्टेज अप्लाई किया, सेकेंडरी कॉइल पर इंड्यूस वोल्टेज मिला वो भी एसी है, ये सारा इसमें लिखा हुआ। प्रेरित प्रत्यावर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्थचक्र के लिए द्वितीय कुंडली का ऊपरी सिरा धनात्मक,
निचला सिरा ऋणात्मक। डायोड डी वन फॉरवर्ड बायस में, डी टू रिवर्स बायस में। डायोड डी वन के कारण लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी, उसके सिरों पर निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल जब अप्लाई होगा सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होगा, तो उस समय सेकेंडरी कॉइल का ए सिरा नेगेटिव, बी सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। डी वन रिवर्स बायस में, डी टू फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। अब की बार डी टू के कारण लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी, उसके लोड प्रतिरोध के सिरों पर हमको आउटपुट वोल्टेज भी मिलेगी। इस प्रकार से जो पूरा निविष्ट वोल्टता का चक्र है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का, उसके पूरे चक्र के लिए हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में डी वन के कंडक्शन के कारण, और नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में डी टू के कंडक्शन के कारण आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। यह आउटपुट वोल्टेज यूनिडायरेक्शनल है और ऑलमोस्ट प्योर डीसी। अब रिपल फैक्टर की बात कर लेते हैं। उर्मिका गुणांक, उर्मिका गुणांक जो है वो एसी कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू और डीसी कंपोनेंट जो आउटपुट से प्राप्त होती है, उन दोनों का रेशियो। आउटपुट में जो एसी कंपोनेंट प्राप्त होगा, जो डीसी कंपोनेंट प्राप्त होगा, उन दोनों का अनुपात जो है वह रिपल फैक्टर होगा। इसके लिए जो आईडीसी है वह होगी 2Im/π, आईआरएमएस है वह Im/√2। दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो गामा की जो वैल्यू आएगी वो होगी √π²/8-1, और वो वैल्यू आ जाएगी 0.48। इस प्रकार से इसमें एसी कंपोनेंट जो है डीसी कंपोनेंट की तुलना में कम होंगे, तो ये रेशियो जो है वो लेस देन वन होने का मतलब ये हुआ कि एसी कंपोनेंट कम प्राप्त होंगे, डीसी कंपोनेंट ज़्यादा प्राप्त होंगे। हम ये कह सकेंगे कि जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी की तुलना में अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपल फैक्टर कम आ रहा है, अर्थात एसी कंपोनेंट जो है आउटपुट में कम है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता, दक्षता का सामान्य सूत्र यहाँ पर बताया गया है, आउटपुट डीसी पावर अपॉन इनपुट एसी पावर इंटू 100। जो फॉर्मूला है ईटा 81.2 अपॉन 1 प्लस R/RL, परसेंटेज की फॉर्म में ईटा मैक्सिमम हो जाएगा 81.2%। अर्थात पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता जो है वो 81.2% होगी। हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है, वह हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी का डबल होगी, दुगुना होगी। इस प्रकार से आज हमने पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में यहाँ पर बात की है। थैंक यू, धन्यवाद।